कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे परिवेश में क्लास तीसरी कक्षा की जो टेक्स्ट बुक है परिवेश, उसमें से काव्य वन, हम हैं सूरज चांद सितारे। देखो, यहाँ जो हमें पिक्चर दिया गया है वो है ये जो प्रकृति दिखाई देती है। यहाँ सन है, सूर्य है, वो आकाश में है, और उसके साथ मेघ धनुष भी है, रेनबो भी है। ये जो लड़का है ना, वो खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। ये बिल्ली है, वो भी उसका मजा ले रही है। ये लड़की फूलों को देख रही है। ये जो तितली है, वो थोड़ी सी मुस्करा रही है, वो भी प्रकृति का आनंद ले रही है। और यहाँ है जो मधुमक्खी है, वो फूल पर बैठी है, वो भी हंस रही है, उसे भी प्रकृति अच्छी लगती है। यहाँ जो चिड़िया है ना, देखो चिड़िया सबके सामने देखती है, देखो है ना, यस। तो ये जो है सब प्रकृति है, ईश्वर ने बनाया हुआ अनोखा संसार है। सब हमें आनंद देते हैं, और सबके पास से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें यहाँ सिखाते हैं कि जो सूरत है, सूरज आकाश में उगता है, वो सब पर एक ही तरह की धूप बरसाता है। चंद्रमा है, वो अपनी चांदनी सबके ऊपर, उसकी चांदनी का जो चांदनी होती है ना, जो ठंडक होती है चांदनी की, सबके ऊपर होती है। वृक्ष है, वो छाया देता है, तो ऐसा नहीं करता कि इसको ही देनी है हमारी छाया, उसको ही देनी है, उसे ही हम हमारे फल देंगे। वो हमें सिखाते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हम सबको साथ रहना है, कोई भेदभाव के बिना हमें साथ रहना है। और ये है पोयम हमारी, हम है सूरज चांद सितारे। देखो, यहाँ बच्चे हैं ना छोटे छोटे आपके जैसे, वो बच्चे कह रहे हैं कि हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं। देखो, ये काव्य के माध्यम से हम जो बच्चे हैं, उसमें जो एकता है, उसमें जो एक दूसरे के साथ मिलाव है, वो यहाँ हमें समझाया जाता है कि बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मन में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्रकृति की देन है, ईश्वर से सब नन्हे नन्हे फूल है। उसके बाग के जब सब फूल है, तो उसके मन में कभी ये जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव है ना, वो नहीं आते, उसके मन में एकता की भावना होती है। तो यहाँ वो हमें समझाया गया है काव्य के माध्यम से। वो कहते हैं, हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक है, जैसे नन्हे नन्हे रजकण, जो छोटे छोटे रजकण, आपको यहाँ रजकण दिखाई दिया है, लिखना देखो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन रजकण, तो उसका मतलब है छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण है वो। जैसे क्या होता है कि सब मिलकर विशाल पर्वत बन जाता है, इसी तरह ये जो नन्हे नन्हे रजकण है, वो सब बालक के थे, हम सब नन्हे नन्हे रजकण हैं। जब हम मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, हम हमारे मन में मेल मिलाव होता है, तो हम जो पर्वत होता है, उसमें जितनी ताकत होती है, ऐसे ही हम विशाल पर्वत बन जाते हैं। हे हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। वो कहते हमारी, हमारे जो बच्चों की दुनिया होती है ना, सब आपके सबकी भी दुनिया ऐसी होती है। आप जब सब मिलते हैं, तो आपके मन में कोई एक दूसरे के प्रति जरा भी भेदभाव नहीं आता, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सब काम करते हैं। तो यहाँ कहते हमारी दुनिया भी अलग है, निराली है। हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली, जितने भी मंदिर है उसके जो मूरत है, सूरत है, वो सब हम है। तो हम जो हमारी सूरत है, वो भोली भाली है। यहाँ सच्ची बात बताई गई कि बच्चों की जो उसके मन में जो भी होता है, वो हमें उसके मुंह पे दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा तो हमें ये बोलना है, हमें ये नहीं बोलना, हमें पसंद है ना पसंद, उसके जो जो उसके मन में जो भी आए, वो हमें उसके मुंह से दिखाई देता, अच्छा लगा नहीं लगा। तो कहते हमारी सूरत है वो भोली भाली है, कोई भी
मन में कहीं भी छल कपट वो सब उसके मन में बच्चों के मन में नहीं होता, ये हमें यहाँ कवि समझाते हैं। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमें जो बच्चों में हमें कभी ऐसा नहीं होता ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मोटा है, ये पतला है, तो वो हमारा दोस्त नहीं बनेगा। जब सब खेलते हैं ना आप मिलजुल कर सब एक साथ मिलकर सब करते हैं, है ना, तो ये जो उसके मन में कोई रंग का या किसी तरह का भेदभाव नहीं आता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाएं एक संग है। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, देखो यहाँ लिखा गया है पूर्व पश्चिम, श आधा है उसके ऊपर छोटी की मात्रा है, और उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं, दिशाएं एक दिशा की बात नहीं है, बहुत सारी दिशा की बात है, तो यहाँ दिशाएं कहा गया है। सभी दिशा से हम जब सभी दिशा से आए लोग हैं, बच्चे हैं, वो हम सब एक है, हमारे मन में कोई अलग अलग है उसका कोई भेदभाव नहीं है, हम सब बच्चे एक है। धरती माँ के राज दुलारे, देखो धरती माँ के राज दुलारे, राज दुलारा मीन्स जिसको हम प्यारा प्यारा जो होता है ना उसे राज दुलारा कहता है, जो बच्चा प्यारा होता है वो अपनी माँ का राज दुलारा है। तो ये यहाँ हमें समझाया गया है कि पृथ्वी माँ के राज दुलारी, जो धरा है वो धरती है, ये हमारी माँ है और हम उसके राज दुलारे है, प्यारे प्यारे बच्चे है, हम है सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम, देखो ये कहते हैं कि एक ही पृथ्वी पर हम बड़े हुए हैं, हम जो बड़े होते हैं एक ही धरा, धरा मीन्स धरती, धरा मीन्स धरती, पृथ्वी मीन्स धरती, तो वो सब गोदी में, उसकी गोद में, उसकी गोदी में, या जो हम गुजराती में आपको समझे ना खोड़ामा, हम ऐसा बोलते हैं ना खोड़ामा बैठा रहा एम के ना खोड़ामा बैसा एम, तो वो यहाँ बच्चे कहते हैं कि हम धरती माँ की गोदी में बैठे हैं, भाई हम धरती माँ के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसकी गोदी में बैठकर, उसकी गोदी में खेलकर, ये प्रकृति में खेलकर हम बड़े हुए हैं। एक हमारी आसमान छत, हमारे ऊपर जो छत होती है, सभी घर के ऊपर छत होती है, ऐसे ही बच्चे कहते हैं हमारे, हम सब के ऊपर जो आसमान एक है उसकी छत है, इसके ऊपर थोड़ा सा आसमान, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आसमान, ऐसा नहीं होता, पूरा आसमान है उसकी एक ही छत है, उससे नीचे हम सब हैं। तो यहाँ समझाया गया है कि सभी के लिए जो आसमान है वो एक है, धरती है वो एक है, तो हम अपनों में अलग अलग क्यों रहे, हम भी एक होकर मिलजुल कर हमें भी रहना है। कभी बादल ऐसा नहीं कहता कि मैं ये थोड़े बच्चे इधर खेल रहे उसके ऊपर मैं पानी बरसाऊंगा, उसको मैं बारिश दूंगा, या सूरज ऐसा नहीं कहता कि मैं आज सिर्फ यहाँ ही धूप देगा, धूप देंगे हम वहाँ नहीं देंगे हम, ऐसा नहीं कहते। वैसे ही सितारा कहते हैं बस हम तो ये भारत पर ही टिमटिमाएंगे, मैं दूसरे देश में नहीं टिमटिमाना, ऐसा नहीं कहते, वो पूरा सभी पूरे विश्व में टिमटिमाते हैं। तो यही हमें समझाया गया है कि एक हमारी आसमान छत, जो आसमान की जो छत होती है हम सब पर एक है। एक हमारी सांस पवन है, जो पवन है वो सभी के लिए एक है, ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ खड़े हैं ना तो हमारे पास पवन आएगी, वहाँ खड़ा है ना उसके पास पवन नहीं जाएगी, ऐसा नहीं, सभी की पवन सभी की एक है, हमारी पवन ऑक्सीजन वाली है, दूसरों की पवन ऑक्सीजन वाली, ऐसा नहीं है, पवन एक ही है, पूरी धरती पर पूरी दुनिया पर जो पवन बहता है ऐसा नहीं। हाँ जो राज्य में उसके एटमोसफियर के वजह से अलग अलग जो 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 कंटेंट है पवन का वो अलग अलग होता है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पवन आई हमारे पास और दूसरों के पास गई तो वो पवन अलग अलग है, ऐसा नहीं है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है, देखो तन यानी शरीर,
धूप और चांदनी के कपड़ों से, जो हमारे कपड़े हैं वो धूप और चांदनी के हैं, ऐसे नहीं, हम सबके ऊपर चंद्रमा जो अपनी चांदनी बरसाता है, लहराता है, हमें जो देता है चांदनी, वो सभी के ऊपर एक ही जैसी आती है। धूप हम सबके ऊपर एक ही धूप पड़ती है, ऐसा नहीं कि आज तो मेरे आपके पास जो बच्चा खड़ा है, आपके आजू बाजू में जो बच्चे है उसको धूप नहीं लगती, उसके ऊपर धूप नहीं है भाई आज, उसके ऊपर तो ठंडक है, और आपके ऊपर सूरज की धूप है, सूरज बरसा, मैं आपके ऊपर ही धूप बरसाऊंगा, मैं आपको ही गर्मी लगेगी, ये बच्चों को नहीं ऐसा होता। सभी के लिए एक ही धूप होती है, चंद्रमा या सूरज और बादल सबके लिए एक ही है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे, ये जो पूरा विश्व है उसके हम तारे हैं, हम उसके स्टार हैं। हम सभी बच्चे जब बड़े होंगे ना कुछ सीखे, तो ये भी ये संसार के आप भी स्टार बनेंगे। तो ये है, हम हैं सूरज चांद सितारे, हम सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है, धरती माँ के राज दुलारे भी है। जो ये काव्य जिसने लिखा है, जो उसके जो कवि है, उसका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उसने ये कविता लिखी है। यहाँ हम जो हमने ये काव्य के माध्यम से हमने सीखा कि जिस तरह आसमान, सूरज, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, जो प्रकृति है पूरी, उनके लिए कुछ अलग अलग नहीं है, उसके लिए कुछ कहाँ भी भेद नहीं है, तो वैसे भी हमारे मन में भी कुछ भेद नहीं आना चाहिए, हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है।